राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं चल रही हूँ चने की दाल की फराह बनाने। 250 ग्राम ये दाल मैंने भिंगो रखी थी आधा घंटा पहले। ये देखिए मैं दाल निकाल लिया, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और ये नमक, हल्दी और ये हींग। अब इसको हम सिलबट्टे के पास चलते हैं, इसको पीस लेते हैं क्योंकि मिक्सर जार में दाल गीली हो जाती है। हरी मिर्च और लहसुन में पीसने जा रहे हैं। ये देखिए मेरी दाल पीस चुकी है, लहसुन मिर्च जो पीस के रखे थे इसको इसमें मिलाएंगे। अब देखिए इसमें नमक डाल देंगे, ये हल्दी डाल देंगे। अब इसमें छोटा चम्मच हींग डाल लेंगे क्योंकि हींग से ही स्वाद आता है फरे का। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस के ऊपर पतीला चढ़ा दिया है, इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ना बहुत कम डालना है। कम होने पर फरा जल ही जाता है, ज़्यादा डालने पर गैस ख़त्म होगा। इसको ढक देते हैं, चलते हैं आटा निकाल लेते हैं। चावल का 6 चम्मच हमने आटा निकाल रखी है, इसको लगा भी दिया। इसको ढक के रख देंगे आधा घंटा के लिए, सेट हो जाएगा। अब चलते हैं दाल की तरफ। इसको मिक्स कर लिया हमने और इसको देखिए, चलिए देखिए। अब इस तरीके से उंगली की सहायता से इसको ऐसे दबा लेंगे, दबा के भर लेंगे इसको। मेरा फारा हो गया तैयार। इसको अब हम रखेंगे इस वाले छन्नी वाली थाली में। इसमें हमने 1 चम्मच लगा रखे है कांटे वाले, आप लोग जो भी कुछ लगा सकते हैं। देखिए चढ़ा दिया इसको, मेरा पानी खोल चुका है, इसको ढक दिए। अब ऐसे फारा बना बना हम भरते जाएंगे, ढकते जाएंगे, भाप लगता जाएगा तो फरा चिपकेंगे नहीं। ऐसे देखिए इसी सहायता से ऐसे हम भर लेंगे। इसी तरह सारे फरे हम भर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसको रखते जाएंगे ढक ढकने के बाद। देखिए मेरे सारे फरे तैयार हो गए बढ़िया से पक के, आपको दिखाते हैं। इसको सहायता से बढ़िया से, अगर कच्चा रहेगा तो जल्दी दब जाएगा, अगर पक जाएगा तो जल्दी भिजेगी नहीं चम्मच इसमें। इसी से पता चलता है कि पक गया है कि कच्चा है। देखिए मेरा फरा बिल्कुल बन के परफेक्ट हो चुका है। ये देखिए मेरा फरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया चटनी के साथ। आइए खाइए, बिल्कुल टेस्टी है और स्पंजी भी है और सही भी है। अगर अच्छा लगे आप लोग को तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।